नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 8वां किस्त या इंस्टॉलमेंट आप लोगों को कब तक मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप लोगों को कोई भी किस्त अभी तक नहीं मिला है तो आप लोग इसके लिए कहाँ पर शिकायत कर सकते हो। इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, पीएम किसान, इस शुभ दिन किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए, नहीं आए तो इस नंबर पर करें फोन, तुरंत आएंगे पैसे। आगे पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में 14 मई को ट्रांसफर की जाएगी। जी हां दोस्तों, आप लोगों के अकाउंट में 14 तारीख को 8वां किस्त आ जाएगा। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी, लेकिन सरकार के किस्त जारी करने के बाद भी देश भर के कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में किस्त के पैसे नहीं आते। ऐसे में आप इसकी शिकायत कहां कर सकते हैं, जानिए। आगे पढ़ते हैं, बता दें कि केंद्र सरकार किसानों को साल में 6000 रुपए आर्थिक सहायता देती है। यह राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाती है। यह 2000 की 3 किस्तों के रूप में जमा की जाती है। अगर किसी किसान को इस स्कीम के तहत पैसा नहीं मिला है तो आप केंद्रीय कृषि मंत्रालय की इस हेल्पलाइन पर फोन कर इसकी जानकारी ले सकते हैं। आए जाने इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें, यहां करें शिकायत, तुरंत होगा समाधान। अगर आपके खाते में किसान सम्मान निधि की राशि नहीं आती है तो सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के लेखपाल और कृषि अधिकारी संपर्क करना होगा और उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। अगर आपकी बातें ये लोग नहीं सुनते हैं तो आप इससे जुड़ी हेल्पलाइन पर भी फोन कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, इस नंबर पर करें शिकायत, किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिलती है तो इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हो जो हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप लोगों को अभी तक कोई किस्त नहीं दिया गया है तो आप लोग इस पे कॉल करके शिकायत कर सकते हो। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार तक पीएम किसान हेल्प डेस्क के ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, इन गलतियों से अटकते हैं पैसे। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों के पैसे जो नहीं पहुंच पा रहे आपके अकाउंट में तो क्या कारण हो सकता है, वो आप यहां पर पढ़ सकते हो। कभी कभी तो सरकार की तरफ से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं लेकिन किसानों के अकाउंट में नहीं पहुंचते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आपके आधार अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में गलती का होना हो सकता है। और दोस्तों, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि अब तक आप लोगों को पीएम किसान योजना का कितना इंस्टॉलमेंट मिल चुका है तो उसके लिए आप लोग मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो, या तो फिर उसका मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट जाके देख सकते हो कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हो कि कितना इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आ चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी काम की वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों को सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।